कंपनी को बस रहेगा, आपको कॉल करेंगे नहीं कर रहेगा ना सर, थोड़ा डिटेल बता दिया जाएगा। आज फाजदार इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस पे दुआ फाउंडेशन की जानिब से जॉब अलर्ट का एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। इसमें तकरीबन शहर से और ग्रामीण से तमाम जो भी कैंडिडेट्स थे वो यहाँ पर आए हैं और उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों का यहाँ ऑन स्पॉट सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे लोगों का जो दूसरे बच्चे हैं तो उनका सेकेंड टर्म में होगा इंशाल्लाह। और मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस जॉब अलर्ट का फायदा उठाइए जो मुस्तैक लोग हैं, और मैं सरदार इम्तियाज जलील साहब और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ जो तमाम जो नौजवानों के लिए रोजगार के लिए जो बेड़ा उठाए और ये काम को सक्सेस अंजाम दिए। औरंगाबाद शहराचे माननीय खासदार श्री इम्तियाज जलील यांच्या पुढाकाराने त्यांच्या संकल्पनेतनं जॉब अलर्ट या माध्यमातून औरंगाबादमध्ये हा तिसरा एक जॉब फेअरचा प्रोग्राम घेतला जात आहे आणि यामध्ये 3200 जणांनी आपले नाव नोंदवलेले आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या सिलेक्शन करता औरंगाबादच्या 9 नामांकित कंपन्यांनी सहभाग घेतला, तसंच पुण्याच्या 4 मोठ्या कंपन्यांनी देखील सहभाग घेतला आहे। या कंपन्यांमध्ये साधारणतः 800 लोकांचं ऑन द स्पॉट सिलेक्शन झालेलं आहे आणि त्यांना जॉब देखील मिळालेला आहे आणि 900 उमेदवारांना सेकंड इंटरव्ह्यू करता बोलवण्यात आलेलं आहे आणि त्यांना देखील लवकरच त्या ठिकाणी प्लेस केलं जाणार आहे। सायबरच्या प्रयत्नाने हा जो आजचा जॉब अलर्टचा प्रोग्राम झालेला आहे यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा पूर्ण पालन करण्यात आलेलं आहे, जसं मास्क सगळ्यांनी लावलेलं आहे कंपल्सरीली, तसंच सॅनिटायझरचा वापर देखील करण्यात आलेला आहे, सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेतलेली आहे। धन्यवाद। यामध्ये किती लेडीज आणि किती जेंट्स? 200 साधारणतः 200 महिलांनी यामध्ये सहभाग घेतला आहे आणि इतर 3000 मुलांनी देखील यामध्ये सहभाग घेतला। 200 महिलांपैकी साधारणतः 150 महिलांना या ठिकाणी जॉब देखील मिळालेला आहे। कंपन्यांमध्ये विविध कंपन्यांमध्ये त्यांना जॉब ऑफर लेटर देखील देण्यात आले। आपका नाम? माझं नाव प्रवीण जयस्वाल औरंगाबाद। इम्तियाज अली सर ने जो ये जॉब अलर्ट रखा है उसके वजह से सारी लड़कियों को बहुत मतलब जॉब आसानी से मिलती है, उसके वजह से लड़कियों को ज्यादा घूमना नहीं पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही जॉब अलर्ट आगे रखते रहें ताकि हम उससे पाए। क्या नाम आपका? नाम सृष्टि जगताप। जो इम्तियाज जलील साहब ने जॉब फेयर रखा है तो उसके लिए आप आए थे, तो यहाँ कौन सी कंपनियों में इंटरव्यू दिया? एक अर्पित इंडस्ट्रीज और एक फूड मैन्युफैक्चरिंग। कौन से इसमें सिलेक्शन हुआ? मेरा दोनों इसमें सिलेक्शन हुआ। तो क्या बोलना क्या चाहेंगे आपको मैसेज क्या? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्जा साहिब है। मुझको आज पता चला कि यहाँ पे जॉब अलर्ट्स चल रहे हैं इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, तो मैं आके इंटरव्यू दिया और इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सैफुल और जॉब फेयर का मानने पड़ा था असल में शेख इम्तियाज जलील साहब की तरफ से जॉब मिला रखे थे उन्होंने, तो उसके अंदर ऑर्गेनाइज करे उसका बहुत अच्छा किया और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचा
और दूसरा ये कि यूथ को बहुत मैंने कन्विंस किया इसको जॉब। आपका इंटरव्यू कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू अलहमदिल्ला अच्छा रहा, सर ने बहुत गाइडेंस करा इसकी। सिलेक्शन वगैरह? हाँ सिलेक्शन वगैरह तो हो गया, मंडे के रोज़ ये रिज्यूम वहाँ पर देना है कंपनी को गवाही से, और पेमेंट वगैरह जो है तो पूरी डिटेल होना वहाँ पर बता देंगे। तो इंडिया सब को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जॉब फेयर के लिए, जॉब फेयर जो इंटरव्यू सब रखे थे उसके लिए भाई ने आज हमारे यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, इसके लिए इंटरव्यू सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम जैसे और भी बच्चे जो जिसका अपने सिलेक्शन हुआ है, कई बेरोजगारों को आज रोजगार मिला है। आई लव इंटरव्यू साहब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, बहुत उम्मीद है उनसे। कई बेरोजगारों को उन्होंने आज रोजगार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू साहब।